जब 13 साल की लड़की पर आया था जैकी श्रॉफ का दिल। जैकी श्रॉफ एक रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, बस स्टॉप पर बैठे हुए उनकी नजर गई बस में बैठी हुई एक लड़की पर। बस की खिड़की वाली सीट पर एक 13 साल की खूबसूरत लड़की स्कूल ड्रेस पहने हुए बैठी थी। जैकी को मानो पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। वो झट से बस में जा पहुंचे और लड़की से बात करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। जैकी की पहली नजर का प्यार परवान चढ़ने लगा, मुलाकातें बढ़ने लगी। प्यार का ये एहसास अब आयशा के दिल में भी धड़कने लगा था। कुछ कहने सुनने से पहले वही मुश्किलें हुई जो सारी प्रेम कहानियों में अक्सर होती है। आयशा काफी अमीर परिवार से थी, इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि जैकी पहले से ही किसी के साथ प्यार में थे। उनकी गर्लफ्रेंड अमेरिका में थी और वापस लौटते ही दोनों की शादी होने वाली थी। जैकी असमंजस में थे कि कैसे कहे विदेश में अपनी प्रेमिका से कि वो अब किसी और को दिल दे बैठे हैं। इस प्यार के सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकी। आयशा ने फैसला किया कि वो जैकी की गर्लफ्रेंड को सब सच बता देंगी और एक खत में सब लिखकर उन्होंने भेज दिया। शाही घराने से ताल्लुक रखने वाली आयशा शादी के बाद जैकी के साथ चौल में भी रही। आयशा के जीवन में आने के बाद जैकी श्रॉफ पूरी तरह से बदल गए। आज जैकी अपने जीवन की कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी आयशा को देते हैं।